अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं सर्कल एंड टेंजेंट्स परिचय इंट्रोडक्शन। बच्चों, आप अपने आसपास अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी वृत्ताकार वस्तुएं देखते हैं, जैसे कि साइकिल का पहिया, ये सिक्का जो कि वृत्ताकार है, और ऐसे ही कुछ घड़ी के जो डायल होते हैं वो भी वृत्ताकार होते हैं। चलिए आज हम वृत्त को ही पढ़ने और समझने के प्रयास करते हैं। इसके लिए हम एक वृत्त बना लेते हैं। मान लीजिए एक वृत्त हमने यहाँ पर लिया, केंद्र O, और उसकी त्रिज्या हो गई OA, और ये हमने एक वृत्त बना लिया। जैसे कि हमने कहा, ये वृत्त का केंद्र O है, ये उसकी त्रिज्या OA, और ये जो वृत्ताकार पथ हम देख रहे हैं इसे कहते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त क्या है? कागज पर एक बिंदु O लेकर इसमें 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P लें। क्या कुछ और भी बिंदु हो सकते हैं जो बिंदु O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हों? इसे कैसे ढूंढेंगे? कितने ऐसे और बिंदु होंगे? प्रकार को 5 सेंटीमीटर फैलाकर O बिंदु पर प्रकार की नोक को रखें। O से 5 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदुओं को चिन्हित करें। कागज पर O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर हमें आकृति 1:2 प्राप्त होगी। किसी तल पर खींची गई इस प्रकार की बंद आकृति वृत्त होती है। उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल में एक नियत बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित हो तथा एक बंद आकृति बनाता हो वृत्त कहलाता है। बिंदु O को वृत्त का केंद्र कहते हैं। केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या पहिया, घड़ी, चूड़ी, सिक्के आदि वस्तुओं पर भी एक बिंदु ढूंढ सकते हैं जिससे सिरे तक की दूरी बराबर हो? करके देखें। सत्य या असत्य लिखिए, कारण व उदाहरण से समझाइए। पहला, वृत्त की अनेक त्रिज्याएं होती हैं। दूसरा, वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान नहीं होती हैं।